स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? यूनिट फर्स्ट में फाइनाइट डिफरेंस में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। ये पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी। टॉपिक है हमारा क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस ये। अब देखिए, इसमें हमारे पास जो चल रहे थे, इनके क्या चल रहे थे? एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे थे। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी? डेल एन एफ एक्स इक्वल तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और डेल एन प्लस वन एफ एक्स इक्वल क्या होना चाहिए? जीरो। ये वैल्यू होनी चाहिए। ये दोनों ही इस फॉर्मूला या ये कहें कि फंडामेंटल थ्योरम द्वारा इन दोनों को ही फाइंड आउट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल है डेल एन ए नॉट ए वन एक्स ए वन प्लस ए टू एक्स ए टू प्लस ए थ्री एक्स और ए एन माइनस वन ए एन एक्स एच इक्वल वन। ये वैल्यू है। अब यहां देखिए, ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए? फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है हमें। क्या करना है? फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है। एच इक्वल आपको क्या दे रखा है? वन गिवन है। और हमें निकालना है डेल एन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए टू ए प्लस में कितना ए थ्री एक्स और कहाँ तक ए एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स तक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे फंडामेंटल थ्योरम से? क्या करें कि डेल एन है, डेल एन है, तो हम ये करें डेल एन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें कितना आएगा। ए नॉट ए वन प्लस ए नॉट ए टू एक्स प्लस ए वन स्क्वायर एक्स प्लस ए वन ए टू एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में कितना है ए टू प्लस ए थ्री एक्स और ये मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है कहाँ तक ए एन माइनस वन ए एन एक्स तक। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आपके पास क्या आएगा ए नॉट ए वन ए टू प्लस ए नॉट ए टू का स्क्वायर एक्स प्लस ए वन स्क्वायर ए टू एक्स और प्लस ए वन ए टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना ए नॉट ए वन ए थ्री एक्स प्लस में कितना ए नॉट ए टू ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में कितना ए वन स्क्वायर ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में ए वन ए टू ए थ्री एक्स क्यूब। ठीक है, ये भी स्टेप होगी और डैश 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 मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा, कितना आ जाएगा ए एन एक्स आएगा। अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या होगा? ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री आ जाएगा, फिर ए नॉट ए टू का स्क्वायर ए थ्री आ जाएगा, यानी कि ए थ्री एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा। और ये वाली स्टेप देखना क्या होगा, जब यहाँ थ्री है एक्स की पावर थ्री है तो कितने आ रहे हैं ए थ्री आ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एक्स की पावर कितने फोर, ये होगा ए वन ए टू ए थ्री और एक्स की पावर फोर होगा। फिर आगे करेंगे x की पावर 5 के लिए, तो a1, a2, a3, a4, a5,
एक्स की पावर 5 और लास्ट स्टेप एन डैश 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 करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल एन क्या बचेगा, ए वन ए टू, ये वाली स्टेप देखेंगे ए वन ए टू एक्स की पावर एन के लिए, ए थ्री अप टू ए एन और एक्स की पावर कितने एन, बाकी की टर्म आएंगी लेकिन वो उनका ऑर्डर क्या होगा, एन माइनस वन होगा। एन की तो केवल कौन सी टर्म बनेगी एक्स की पावर एन की, ए वन ए टू ए थ्री और कहाँ तक, ए एन तक, और बाकी की जो टर्म होगी उनकी डिग्री कितनी होगी, एन माइनस वन से कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स के स्टेप आ दी, तो यानी कि बाकी बची हुई अदर टर्म इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, या तो अदर टर्म एन माइनस वन की होंगी या उससे क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम अदर टर्म में, तो अदर टर्म के लिए हमारे पास, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में और लगा दूं, आगे क्या होगा, दैट इंप्लाइज डेल की पावर एन, अलग अलग कर लो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन डेल की पावर एन, कितना अदर टर्म इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन के लिए, एन माइनस वन के लिए होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे वाली टर्म, यहां तो हो जाएगा डेल एन ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन एक्स की पावर एन, और आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्या कहता है, हमारे पास अगर डेल एन प्लस वन एफ एक्स हो जाए वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास टर्म तो है एन माइनस वन लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, डेल एन हो रहा है, तो डेल एन एफ फंक्शन क्या है, किस टर्म का है, ये एन माइनस वन टर्म का है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ ए वन ए टू ए थ्री ए एन, अब क्या होगा, डेल एन एक्स की पावर एन, यही होगा डेल एन एक्स की पावर एन होगा। अब डेल एन एक्स की पावर एन, तो आप जानते हो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम, क्या क्या फॉर्मूला है, बाई मेंटल थ्योरम फॉर्मूला क्या है, क्या कहता है, डेल एन एक्स की पावर एन, या ये कहें डेल एन एफ एक्स इक्वल क्या होता था, एन फैक्टोरियल एच की पावर एन एक्स की पावर एन, या ये कहें एच की पावर एन होता था और ए एन हो जाता था, यही है। अब ए एन, तो अब दैट इम्प्लाइज ए एन, तो हमारे पास ये पूरी स्टेप है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, और यहाँ एन फैक्टोरियल हो जाएगा और एच की पावर एन यानी कि वन की पावर एन यानी कि वन ही होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में कि डेल एन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए टू सॉरी इनटू में ए टू प्लस ए थ्री एक्स, इस तरीके की टर्म है। फिर आगे हमने इनका मल्टीप्लीकेशन देखा और देखते गए तो मल्टीप्लीकेशन में ए वन ए टू ए थ्री आ रही एक्स की पावर थ्री के लिए आ रही, फिर एक्स की पावर फोर के लिए क्या हो जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एक्स एक्स की पावर फोर हो जाएगा। सारे टर्म हमने यानी कि करते जाएंगे, डैश 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 लगा रखा है, ए वन ए टू ए थ्री और कहाँ तक, ए एन तक एक्स की पावर एन प्लस अदर टर्म इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन।
अदर टर्म क्या किसकी हो जाएंगी, लेस देन एंड इक्वल टू एन माइनस वन, या तो उसके ऑर्डर जो होगा यानी कि उसकी जो घात होगी, या घात ना कह के ये कहें कि डिफरेंशिएटिंग जितनी बार होगा, या ये कहें फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कितने टाइम्स होगा एन माइनस वन के लिए होगा, तो वो स्टेप नेग्लेक्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बाकी बची हुई जो स्टेप क्या आ गई, ये स्टेप आ गई। अब वाई फंडामेंटल थ्योरम फॉर्मूला, डेल की पावर एन एफ एक्स इक्वल एन फैक्टोरियल एच की पावर एन ए एन ए वन ए टू ए थ्री ए एन एन फैक्टोरियल, ये फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व आउट किया। यहाँ एच, और यहाँ आप लिख सकते हो कि एच इक्वल हमारे पास क्या था, वन था। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। अब हम इसके आगे की तरफ देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, इवेल्यूट डेल स्क्वायर ए की पावर 2x ए की पावर 4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ भी एच इक्वल क्या दे रखा है, वन गिवेन है। एच इक्वल हमें क्या गिवेन है, वन गिवेन है। अब देखिए सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्या गिवेन है यानी कि डेल ऑपरेटर हम कितने टाइम्स लगाना है, हमें टू टाइम्स लगाना है, और ए स्क्वायर एक्स ए टू ए के पावर 2x ए प्लस ए के पावर 4x और ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर गिवेन है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम डेल करें, यहाँ डेल कितना आएगा, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल, यहाँ वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, डेल ए की पावर 2x प्लस डेल ए की पावर 4x, ये स्टेप हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ क्या है, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ ए की पावर 2x यानी कि क्या होगा, ए की पावर 2x प्लस एच होगा, x प्लस एच होगा, लेकिन एच होगा यानी कि एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ एच लिखे हैं तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन, तो यहाँ क्या कर दें हम, वन कर दें। ठीक है, प्लस यहाँ बताइए ऑपरेटर लगाएंगे आप तो क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, एक्स प्लस वन हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेल वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, अब यहाँ क्या होगा, ए की पावर 2x इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4x इंटू ए 4, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में और क्या कर सकते हैं हम, देखिए ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ अगर हम कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर, और एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है, हमने कुछ माइनस नहीं किया, तो वो देख लीजिए माइनस क्या होगा, ए की पावर 2x माइनस ए की पावर 2x, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस, यहाँ ऑपरेटर क्या होगा, ए की पावर 4x प्लस वन माइनस ए की पावर 4x, ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ए की पावर 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 4x इंटू ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4x, ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, ए की पावर 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए की पावर 4x कॉमन आ गया, क्या बचा, ए की पावर 4 माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल क्या होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होगा, और यहाँ कॉमन निकाल लें, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर प्लस वन और ए स्क्वायर माइनस वन, ये लिख सकते हैं। तो कॉमन आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस वन, कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल देते। बाकी बचा क्या हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा ए के पावर टू एक्स, यहाँ बचा ए के पावर फोर एक्स और ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ एक पावर ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, डेल वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ क्या बचा, एज इट इज यही उतरेगा, तो यानी कि अब एज इट इज उतरेगा, तो यानी कि हम डेल अंदर लेके जाएं, तो ये होगा डेल ए की पावर टू एक्स, ए के पावर फोर एक्स, ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वन, अब यहां देखिए प्लस वन होगा, यानी कि जो कांस्टेंट है वो वैल्यू बाहर आ गई, ए स्क्वायर माइनस वन। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर लगाएंगे, यहां होगा डेल ए की पावर टू एक्स प्लस डेल ए की पावर फोर एक्स इंटू में ए स्क्वायर प्लस वन, यही ऑपरेटर होगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए ए स्क्वायर माइनस वन, यहाँ लगाएंगे ए की पावर टू एक्स प्लस वन माइनस ए की पावर टू एक्स। ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर प्लस वन कॉन्स्टेंट है, वैल्यू बाहर आई और यहाँ बचा फोर एक्स प्लस वन माइनस ए की पावर फोर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, क्या बचेगा हमारे पास, ए की पावर टू एक्स प्लस इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए की पावर टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वन ए की पावर फोर एक्स इंटू में ए की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर एक्स, ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर कॉमन आएगा ए की पावर टू एक्स, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस वन प्लस कितना, ए स्क्वायर प्लस वन और इंटू में क्या कॉमन आएगा, ए की पावर फोर एक्स कॉमन आएगी, यहाँ बचेगा ए की पावर फोर माइनस वन, ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन, यहाँ कॉमन निकाल लें हम दोनों में से, क्या कॉमन आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस वन कॉमन आ जाएगा और क्या बचा, ए की पावर टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा और ए की पावर फोर एक्स बचेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा ए की पावर टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए की पावर फोर एक्स, ये आपका क्या है, आंसर है। क्या किया, इवेल्यूट किया डेल स्क्वायर ए की पावर टू एक्स प्लस ए की पावर फोर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और डेल डेल दो बार ऑपरेटर फाइंड आउट किया, एक बार लगाया तो वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर रख दी और बाकी बचे हुए को अंदर, और हमने फॉर्मूला सॉल्व किया। और सॉल्व करते हुए आ गए तो हमारे पास यहाँ तक आ गया, इसके बाद यहाँ पर हमने डबल ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर लगाया और वैल्यू क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो था यहाँ तक, हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, ऑपरेटर्स के रिलेशन पढ़ लिए, ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एग्जांपल्स नॉर्मली देख लिए, फिर फंडामेंटल इक्वेशन देख ली, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम देख ली और उसके एग्जांपल देख लिए। अब जहाँ तक अगर है ना सेक्शन सी की बात करें, तो फंडामेंटल थ्योरम 110% आती है। और अब आपकी बात करें, अब जो मेन चीज़ आती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी के बेस्ड पर आपका आगे यूनिट बढ़ेगी। तो आप इस टॉपिक को आराम से देखिए और एक वीडियो को कई बार देखा करो, तो आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए, तो आप अगेन उसको रिपीट करके देखिए, और वीडियो के साथ साथ आप सभी नोट्स भी बनाते हुए चलें। क्या बनाते हुए चलें? नोट्स भी बनाते हुए चलें। एक बार वीडियो देखें, एक बार वीडियो देखने से समझ में आएगी, फिर अगेन आप उसके क्या बनाइए, नोट्स लेके बनाइए। अगर आप नोट्स और प्रॉपर इन वीडियोस को फॉलो करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं, हमारे पास है डिफरेंस टेबल, बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
डिफरेंस टेबल। दिस टेबल हैव टू टाइप्स। कितने टाइप्स की हैं? टू टाइप्स की हैं। एक तो फर्स्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और नंबर दो है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यानी कि फॉरवर्ड का मतलब है डेल, इस डेल के लिए, और बैकवर्ड के लिए यानी कि बैकवर्ड डेल के लिए। इनके लिए हम टेबल बनाएंगे, यानी कि आपको इस टेबल का यूज़ क्या होता है कि आपको बहुत सारी एंट्रीज दे दी जाएंगी और बहुत सारी वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। जैसे एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी, ए दे दी, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, इस तरीके से चलती हैं। याद रखना एक्स है वो ए, ठीक है, और डिफरेंस यानी कि अंतराल, जिसको बोलते हैं अंतराल, वो क्या होगा यानी कि अगले स्टेप निकालने के लिए एच गिवन होता है, हमेशा अगला स्टेप यहाँ से निकलता है, तो ये क्या होता है ए प्लस एच। अब अगली स्टेप पे जाना है ना हमें, तो क्या कर दें एच और ऐड कर दें, यानी कि डिफरेंस कितना है एच का है तो ए प्लस टू एच, ठीक है, फिर आगे ए प्लस थ्री एच चलता जाएगा। और इसी के ऊपर आपको फंक्शन डिफाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं एफ ए, ये आपको मालूम है, ये क्या होगा एफ ए प्लस एच और एफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन। तो ये तो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको बोलते क्या हैं इंट्री, ठीक है, इंट्री बोलेंगे, यानी कि फंक्शन एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं, तो ये आपको एफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर वाई एक्स लगा दें इंडेक्स एक्स की वेरिएबल के लिए लगा रहे हैं तो वाई ए भी लिखा मिल सकता है। एफ ए प्लस एच को क्या लिख सकते हैं वाई ए प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अग्रांतर अंतर सारणी, ठीक है, तो आप ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ करें, इंग्लिश सूटेबल है और इजी भी है और आसानी से आपको अच्छी रहेगी आपके लिए, और यूज़ करना काफ़ी अच्छा है, जिससे आप किसी भी मतलब कि कोई भी पेपर दें तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। अब इसमें यहाँ आर्ग्यूमेंट दिए होंगे, यहाँ एंट्री, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड, यहाँ लिखेंगे सेकंड फॉरवर्ड, यहाँ लिखेंगे थर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट को हम x से डिनोट करते हैं, ये y बराबर एफ एक्स होता है, ठीक है, इसको हम डेल एफ एक्स से शो करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड का मतलब एक बार, ठीक है, सेकंड फॉरवर्ड को हम शो करते हैं डेल स्क्वायर से, और इसको हम शो करते हैं डेल क्यूब से, हमें जितने की ज़रूरत होती है उतने के हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू गिवन होगी ए, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ठीक है, और ए प्लस थ्री एच, इनके बीच में हमेशा गैप से ही लिखेंगे आप, ये नहीं है कि एक एक लाइन में एक नीचे जस्ट एक नीचे एक लाइन आपको छोड़नी है नोटबुक में, जस्ट नीचे नहीं उतारना, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू नहीं आएंगी आसानी से। अब यहाँ होगा एफ ए, ये क्या होगा एफ ए प्लस एच, यानी कि फंक्शन की वैल्यू किस पर, ए पॉइंट पर, कितनी एफ ए, और फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर ए प्लस एच पर, यानी कि क्या होगी एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच। अब यहाँ डेल एफ एक्स निकालते हैं,
तो डेल एफ एक्स हमेशा याद रखना फॉरवर्ड या बैकवर्ड जिसके लिए भी हम टेबल बनाते हैं, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते हैं। यह आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसको हम कहेंगे, हमेशा याद रखिए, इस वैल्यू के लिए ये एफ ए होता है और इसी के लिए ये वैल्यू होती है। तो कितना बोलेंगे, डेल एफ ए, डेल एफ ए, क्योंकि हमने डेल एफ ए के लिए ये वैल्यू निकाली। नीचे में से ऊपर माइनस करेंगे लेकिन वैल्यू किसकी बोलेंगे, ऊपर वाले की। और जबकि बैकवर्ड अगर लगाते हैं तो बैकवर्ड में नीचे का वैल्यू आती है, वो आगे जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगी। अब यहाँ क्या होगी, एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। अब आप बताइए इसको क्या कहेंगे, डेल एफ ए प्लस एच कहेंगे। यहाँ क्या होगा, डेल सॉरी एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच, और इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डेल एफ ए प्लस टू एच। यानी फर्स्ट फॉरवर्ड हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सेकंड फॉरवर्ड। तो सेकंड फॉरवर्ड में जो ये वैल्यूज आई है, यानी कि सेकंड फॉरवर्ड में जो ये वैल्यूज आई है इनमें से घटाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। और हमेशा याद रखिए, यहाँ पर हमने पहले तो देखिए, फिर से सुन लीजिए, ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच, एफ ए एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस थ्री एच। अब इन दोनों के जो बीच में हमने लाइन छोड़ी है ना, उसके बीच में ये वैल्यू लिखी जाती है। इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसके बीच में ये वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसमें ये वैल्यू। इसलिए हमेशा लाइन छोड़ छोड़ के आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज इनके बीच में आती हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इसके बीच वाली लाइन में लिखेंगे। अब इसमें से क्या माइनस होगा, ऊपर वाली वैल्यू माइनस होगी। तो ये यहाँ पर क्या होगा, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए, और ये वैल्यू किसके लिए फाइंड आउट हो रही है, डेल एफ ए के लिए। तो यहाँ पर ये इसके लिए, और यहाँ बस केवल अंतर आ जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, डेल स्क्वायर, और एफ ए के लिए फाइंड आउट हो रही है तो एफ ए। ठीक है, क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ ए। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दे रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा क्या है, यह लाइन हटा दे। अब आगे देखिए क्या आएगी, डेल यहाँ इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, डेल एफ ए प्लस टू एच माइनस डेल एफ ए प्लस एच। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। अब यहाँ इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी, क्या आएगी, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ए इक्वल, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा डेल क्यूब एफ ए के लिए। ठीक है, सिंगल टर्म रह गई, यानी कि आर्ग्यूमेंट ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच एंट्री एफ ए एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस थ्री एच। यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाले, नीचे वाले में से ऊपर वाले माइनस किया, नीचे वाले में से ऊपर वाले माइनस किया, और उनको क्या बोलेंगे, डेल एफ ए। फिर अगर हम ये वैल्यू निकाली, यानी कि ये वैल्यू डेल एफ ए प्लस एच आई, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, डेल एफ ए माइनस करेंगे। तो माइनस करा वो क्या कहलाएगी, डेल स्क्वायर एफ ए। फिर डेल एफ ए प्लस टू एच में से ये वाली माइनस करेंगे, डेल एफ ए प्लस एच, तो वो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। इसी तरह हम किसके लिए निकाल लेंगे, क्यूब के लिए। नीचे वाली में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करो और ऊपर के लिए फंक्शन लिख दो। उसके लिए अगर फर्स्ट ऑपरेटर लगाओ तो डेल लिख देना, सेकेंड ऑपरेटर निकालो तो डेल स्क्वायर, और थर्ड ऑपरेटर निकालो तो डेल क्यूब आपको लिखना है। ये तो थी आपकी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, या ये कहें कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी। अब नेक्स्ट आगे हम इसकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच।